सर, थैंक यू सर। क्योंकि योगा के प्रति जो उमंग और उत्साह का माहौल बना है, पूरा विश्व एक योगा कम्युनिटी के रूप में परिवर्तित हो गया है। पूरी धरती माता जैसे योगा के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गई, और व्यक्ति की समष्टि तक की यात्रा का एक आधार बन गई। और लोग योगा को सिर्फ आरोग्य नहीं, एक वेलनेस के लिए महत्वपूर्ण जीवन का अंग मानने लगे। वेलनेस की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा, व्यक्ति और समष्टि का योग मिलन सुनिश्चित हो जाएगा। लोग आरोग्यवर्धक और रोग निदान विश्व योग दिवस के द्वितीय योग दिवस उपलक्षे विश्व आज योगर रंगे रंगायत, योगर तरंगे रंगायत, योगर भावश्वास में योगर भावाबेग आज समग्र वसुधा उद्भासित। अनुरोध करी सातटा बाजिगला, आम आरंभ करवा योगर प्रोटोकल। सारा विश्व योग प्रोटोकल अभ्यास रही परिप्रेक्षी में आदरणीय माननीय मंत्री डॉक्टर मुकेश महाली को अनुरोध करी भारतीय भाव गोटे अखंड भारत संतान हिसाब से आज निजे गर्वित अनुभव करवार कथा जे योगा होचे भारत वर्षर भारतीय संस्कृतिर अस्मिता परिचय आउ इताके भारत वर्षर प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींकर अनुरोध क्रमे यूनाइटेड नेशन ताके एक्सेप्ट करिकरी 21 जून सारा पृथ्वी रे योग दिवस पालन करुचे। आज सारा पृथ्वी योगमय आज दिन रे योगार प्रचार प्रसार ताके समाज समस्त अंतिम धाड़ी लोक मान को पहुंचावार प्रयास सब भारतीय पाखे इटा न्यस्त है। आ विशेष करी ओडिशा प्रदेश रे मैं समस्त को अनुरोध करमी जे समस्ते निजर लागी निजर शरीर लागी कम से कम दिन को आम 10 मिनिट जदि समय देमा आमको आउ डॉक्टर खाना के जीवा के नहीं पड़े जह दौड़ा के नहीं पड़े। आउ इटा साइंटिफिक लैंग्वेज रे योगा होचे अल्टरनेटिव मेडिसिन, इतार द्वारा विभिन्न रोग निराकरण होचे। इटा कैसी एक्सरसाइज नहीं से इटा गोटे इंटरनल गोटे मुई जूलोजी स्टूडेंट हिसाब से कहमी जे इंटरनल बॉडी रो प्यूरिफिकेशन करवार लगी योगा हो गोटे माध्यम है। से लगी आज दिन रे विशेष समय नहीं है, 7 बजे प्रोटोकल आरंभ हो गलान आम सारा पृथ्वी रे गोटे समय रे योगा कार्यक्रम चलीचे। ये कार्यक्रम के समस्ते आमे निजर मन भितर हृदयतार आत्मीयतार सहित इटा के ग्रहण करमा। आउ आज गोटे दिन नाई, आज गोटे दिन रे योगा करके बंद करवार नहीं ना। ये मेसेज टा सब दिन जाओ और समस्तंकर जीवन धारा रे सकाळ उठले जेंता आमे ब्रेकफास्ट नहीं कले नहीं चलवा, तापरे लंच तापरे डिनर सेंता जीवन रो चर्चा रे 10 मिनिट पर निजर शरीर के योगा फॉर 10 मिनिट पर डे ई कांसेप्ट के अपनामा। आउ निजर शरीर के फल पाए वाले योग करमा। हमें तो बहुत जगह रे देखु जो जे जणे हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी लोगों का बलांगीर में इस मैदान में जो शहर वाले और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलके जो
कार्यक्रम आयोजित किए हैं, इसमें सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उसको देखते हुए सब अभ्यास है, शरीर को स्वस्थ रखना और मजबूत रखना, मन को शांत रखना और एकाग्र रखना, भावना को संतुलित रखना और जो शक्ति है चेहरे में एक मधुर मुस्कान रहनी चाहिए। यदि चेहरे पे मधुर मुस्कान है, इसका मतलब है कि पूरा शरीर शिथिल, शांत और आनंद की स्थिति में है। पूरे शरीर का ख्याल फिर शरीर से श्वास के प्रति सजग बनना है, विचार की सजगता पूरे अभ्यास में बना के रखना है, तभी आपको श्वास के प्रति सजग रहते हो। हमें थोड़ा मन के प्रति भी सजग रहें कि हमारे मन की स्थिति क्या है, मन शांत है कि चंचल है, मन एकाग्र है कि एकाग्र नहीं है, मन के प्रति भी सजग बनी। तो शरीर के प्रति सजगता, श्वास के प्रति। हम लोग तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास ले लीजिए, शरीर में किस प्रकार का हम उसको ध्यान दीजिए। देखिए, योग में केवल हठ योग नहीं है, शरीर के लिए हठ योग है, मन के लिए राजयोग है, भावना के लिए भक्ति योग है, क्यों संपूर्ण योग होता है। तो अभ्यास में हम लोग हठ योग का अभ्यास भी करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पैर की उंगली को मोड़िए, पैर को आगे पीछे कीजिए, पैर की उंगली को आगे पीछे करना है, पैर की उंगली को घुमाना है, फिर पंजों को आगे पीछे करना है, जांघ की मांसपेशियों को टाइट कीजिए, ढीला छोड़िए, जांघ की मांसपेशियों को टाइट कीजिए, ढीला छोड़िए, दाहिनी तरफ लीजिए, पेट के बल आइए, अब दुआ करना, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, मकर आसन में आइए, निहाती भाई अब समस्त गपाई का गौरवत्व लक्षण सारा बलांगीर जिला तरफ रुदा बहुत बहुत शुभेच्छा अशिष अभिनंदन तंगर दिव्य सत्कार करिबे। बंधुगण, भारतीय संस्कृति सबले गुरु को सम्मान दीसी, अज्ञान तिमिरां दस्य ज्ञान जन्म शाखाया चक्षुरुन मिलितं जन्म दस्मि श्री गुरुवे नमसे। गुरु तत्व को से गुरु चेतना को बारंबार नमन पूर्वक प्रणाम पूर्वक योग आत्मिक उन्नति पर आध्यात्मिक उत्तरण पर योग एकांत अनिवार्य अटे। ए महान बार्ता आज ए मंच रे आमे भांग जातीय स्तर रे समाने बलांगीर पे शिक्षा आंडिशित तक आमे एबे सम्मानित करिवा 14 रु 18 जो 10 एंड 12 नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप जातीय मीडियम शिशु 80 चालना पते कथा बहुत गर्व कथा। से 6 मेडल नु 4 मेडल आमे बलांगीर जिला पाइछे, सिल्वर मेडल पाइथिबा से विशिष्ट प्रतिभा ओम शंकर पटेल तांको बहुत बहुत संवर्धना, बहुत बहुत धन्यवाद से तांको आदरणीय मान्यवर भक्ति ताली गम हे जाउ छ बलांगीर जोरदार ताली अनुरोध करबे।
सिल्वर मेडल जीतवा प्रियलोचन नायक अर्जित पटेल निखिल कुमार साहब को जिला प्रशासन तरफ रु बहुत बहुत गौरव चल भविष्य बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामना सहित संबर्धित करवा जोरदार ताली आम समस्त कुनि कुनि अशी चालन भवन को पचर पड़े ना कथा है सकाल उठवा कि पुरस्कार को गोटे नाम आपण मैंने समस्ते सकाल छटा गांधी स्टेडियम रही सुंदर पड़िया समस्ते उपनीत हो पूज्य स्वामीजी का मार्गदर्शन से आदरणीय माननीय मंत्री का मन कर सब आम प्रतिभु मान को समस्ते छिड़ाइए गोटे ग्रुप फोटो आदरणीय मंत्री के सहित आम नवा बलांगीर जिला में एक प्रतिभा योग दिवस अवसर में मुझे तो पहला समस्त को ओडावासी को शुभेच्छा जनामी आशार आज पूरा सरकारी स्तर रे सबु जिला मुख्य कार्यालय सब डिजनाल कार्यालय ब्लॉक स्तर पर्यंत योग प्रचार प्रसार बढ़ावार लगे आज नुआ सरकार गठन हेबार प्रथम थर थे सांगे सांग आम स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट रु इंस्ट्रक्शन देकर योगा के लोक मान पाखे पहुँचावार लगे सुव्यवस्था करे भी आज आम बलांगीर जिले में अंशग्रहण कर रोग रहमा आई अनुरोध करमी पूरा ओडावासी को सब मैच स्पोर्ट्स हॉस्टल पिला को करा दैनंदिन अल्टरनेटिव मैच अभ्यास रे आसे तो यही दया करे मैच नेबे नहीं पक्का सब दिन एकटा संकल्प नउ आजिर दिन का दिन को 10 मिनट योगा करमा आ निरोग रहमा इटा ही आजिर दिन का बात है।